पाकिस्तान के नौजवान का ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम किसी भी अगर हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा हो हमें टिकटॉक बनाने की पड़ी होती है। हमें ये नहीं होता कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो हम कहेंगे नहीं, जो आसान काम है, ऑनलाइन सारे पैसा कमाना चाहते हैं, गेम खेल के लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हालांकि वो सब कुछ फेक होता है। इसीलिए तो ज़्यादा लोग आगे चले गए हमारी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वही कुछ करती। आपसे सलम ने भी कहा है कि ज़रूरतमंद को देना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम का क्या कर सकते हैं, मुल्क में इतने वसाइल ही नहीं है कि लोग कमा सकें। तो हुकूमत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रिसोर्सेज दें, ताकि उनको चाहिए। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन जॉब्स करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑनलाइन जॉब्स लेके आएँ नौजवानों के लिए, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बाहर के मुल्कों में भी लोग अब जाके मेहनत करने के बजाय वहाँ पे भी जाके बेकारी बन रहे हैं। और सऊदी अरब में तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे भी बहुत से बेकारी वहाँ पे पकड़े गए हैं पाकिस्तानी। हाँ बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ये गलत है। लेकिन हुकूमत कर सकती है, हुकूमत इन्हें कंट्रोल करे। दूसरे मुल्कों में नहीं देखा आपने कि हुकूमत किस तरह कंट्रोल करके हमारे मुल्क से एक भिखारी नहीं संभाले जा रहे, तो फिर बाकी क्या संभालेंगी। हुकूमत अब किस किस को कंट्रोल करे ना, हमारे अपने दिमाग भी बंद है ना। अब यहाँ पर कोई पेन बेचने वाला आता है, उसने सिर्फ पेन दिखावे के लिए रखे होते हैं, मांग वो भीग रहा होता है। कहना कि सिपारा कुछ नहीं मिलता, तो अल्लाह के कलाम को बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह का कलाम लेके जाते हैं, कहते हैं सिपारा ले लें। उन्होंने मकसद उनका भीख मांगना ही होता है। लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं इस मामले में, कुछ नहीं कह सकते। मैं क्या कह सकती हूँ इस मामले में, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। बहरहाल ये कोई अच्छी बात नहीं कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। इस तरह कर रहे हैं ना, क्यों भी भीख मांग रहे हैं। हाँ वही ना, कि नहीं करना चाहिए इस तरह। बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं तो पाकिस्तानी बदनाम होते हैं कि यहाँ के भीख मांगते हैं हमारे मुल्क के, तो अपने मुल्क को तो फिर उन्होंने बदनाम कर ही दिया है। से ना अल्लाह के नाम से मांगते हैं, ठीक है, अल्लाह के नाम से सही, हाथ पैर बिल्कुल क्लियर है इनके, फिर भी अल्लाह अल्लाह करते हैं। यही नमाजें पढ़ें, इनको पता चले। नमाज पढ़ते नहीं और अल्लाह अल्लाह बेफजूल ही अल्लाह का नाम लिए जाते हैं। अल्लाह के नाम से दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत बात है ये। वो मांगने चले जाते हैं। ये औरतें देख ले, सही सलामत होती हैं, औरतें मांगती हैं, ये गलत है। क्यों, जो हर मर्द जो इधर से गुजरता है वो औरत को गंदी नज़र से भी देखता है। वो मांगती हैं, और मर्द जो होते हैं ख़ास तौर पे मर्द, वो उनको ज़्यादा पैसे दे देते हैं, औरत समझ के दे देते हैं। वे आधी रात को, एक रात 1 बजे 2 बजे चले जाएँ, औरतें सड़कों पर मांगती फिरती हैं। कहीं भी मांगते हैं मर्द औरतें, ये दोनों मांगती हैं। ये भी मांगते हैं, 2 बजे चले जाएं, बाहर चले जाएं, ये मांगते। कभी किसी शो पे खड़े हो जाएं, कभी किसी शो पकड़े जा रहे हैं। आपको पता वर्ल्ड मीडिया हमें पाकिस्तान नहीं बोलता, भिखारिस्तान बोलता है। क्या कहेंगे? ये तो देखिए, हमें अपना इमेज खुद बनाना है। इसमें हमें सबसे पहले हमें अपने अपने ज़मीर को देखना चाहिए। अल्लाह ताला का डर और खौफ होना चाहिए, और रिज़्क़े हलाल कमाना चाहिए। रिज़्क़े हलाल अगर 500 1000 भी कमाते हैं ना, तो उसमें बरकत है। कि अब उनको आदत पड़ गई हुई है सुस्ती की, और ना वो कमाना चाहते हैं। वो कहते हैं बस हम मांगे मांगे मांगे। मुझे तो लगता है आने वाले सालों में भिखारी ज़्यादा, भिखारी ही भिखारी होंगे। जितने भी जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी भिखारी ही बन जाएंगे। आवाम को भी गुजारिश करना चाहूँगी कि अब तो बाहर के लोग भी हमें भिखारी कहना शुरू हो गए हैं, तो कुछ खौफ करें और ज़रूरतमंद को देते हैं। तो आप लोग अच्छी पढ़ें लिखें, अच्छी नौकरियां करें, ताकि वो ढूंढें। सब लोग एक जैसे तो नहीं ना होते। अच्छा, लेकिन उन्हीं सब लोगों के बीच में 38 मिलियन भिखारी बन गए जो रिकॉर्ड हुए हैं, जिनका डाटा नहीं है वो अलग। हाँ जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है लोगों के लिए। हम तुम तो कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो कंट्रोल करना चाहिए करने वालों को, जो ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, जिनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो कर सकते हैं कंट्रोल, तो उन्हें करना चाहिए। है ना कि दूसरे ममालिक में जाएँ तो वो तो पाकिस्तान को इज़्ज़त की नज़र से ही नहीं देखते। तो ये तो भिखारी हैं, हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। इतनी हमारी मुल्क की बेइज्जती है। भी रुक जाएं, वो पीछे पीछे बंदे आ जाते हैं। इवन के सब्ज़ी मंडी में चले जाएँ, आप गला मंडी में चले जाएँ। सब्ज़ी मंडी में बहुत ज़्यादा है, वो बंदा सब्ज़ी के लिए पैसे निकाल के दे रहा होता है। पहले इतनी महंगाई है, वो बंदा पता नहीं किस तरह अफोर्ड कर रहा होता है, पीछे से बहुत तंग कर रहे होते हैं। ये कल परसों जुमा पढ़ने के लिए गए हैं, ये दोस्त साथ ही थे। हम सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में जॉब करते हैं। जुमा पढ़ने के लिए गए, यंग लड़का है 18 साल का। वो लड़का खड़ा होकर कह रहा है, रो रहा है साथ में जी, वो कारी साहब दुआ मंगवाने लगे हैं। दुआ के दरमियान भी वो कह रहा है जी मुझे ये हो गया, मेरा वालिद फौत हो गया है, मेरी 2 जवान बहनें हैं, मेरी माँ है, मैंने घर का किराया देना है। ये वो मुझे गुस्सा तो आया, मैंने कहा यार इसे बाहर निकल के मैं पूछूँ, आप यंग हो, इतनी फैक्ट्रियाँ, इधर मजदूरी करो आप, 1000 1200 रुपये पर डे मिल रहे हैं आपको, भी सकता है। वो बंदों की सोच है जी, हम जो है ना रात को सोएं, सुबह जो उठें तो हम डिफेंस में हमारी आँख खुले, ऑडी गाड़ी हमारे नीचे हो। तो अगर ये सोच होगी आवाम की तो फिर इसी तरह ही होना है काम। ये देख लें, ये यही काम करते हैं, पहले मांगते हैं, फिर ये दूसरे मुल्कों के साथ अटैच होते हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं यहाँ पे, हमारे मुल्क में करते हैं भिखारी जी, ऐसे काम करते हैं। और इनको क्या काम है, अपने मुल्क का अपन खुद ही नुकसान किए जाते हैं। आपको इनके घर फिर देख लें, ऐसे इतने पुराने टूटे फूटे घर होते हैं, तो इतना पैसा ये कहाँ पे लेके जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की भिखारी इंडस्ट्री के बारे में। हमेशा यही बोला जाता है कि पाकिस्तान को विरसे में जो इंडस्ट्रीज़ मिली थी, जो रेलवे मिला था या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ मिली थी, उन सब का पाकिस्तान ने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री, कोई कारखाना मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है और पाकिस्तान की ब्रांड को प्रमोट, पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट नहीं कर पा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के डॉन के पेपर ने जो ऑफिशियल सर्वे किया है, जो रिपोर्ट छापी है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद हैं जो भीख मांगते हैं, इशारों पर भी, डिफरेंट लोकेशंस पर, जहां उनको सूटेबल लगता है, जहां लगता है कि अब ये बंदा हमें भीख दे सकता है, यहां पर हमें ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, वहां पर भिखारी इकट्ठे हो जाते हैं। और ये रिकॉर्डेड हैं 38 मिलियन, जिनका डाटा रिकॉर्ड नहीं हुआ वो अलग हैं। और यही भिखारी मिलकर, अगर हम अमेरिकी डॉलर्स की बात करें, एक साल के अंदर 42 बिलियन डॉलर्स कमाते हैं। इसी को अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 117 ट्रिलियन रुपीस बनते हैं। पाकिस्तान की भिखारी इंडस्ट्री, फैक्ट्री इतना ज़्यादा कमा रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं, सऊदीया हमारे भिखारियों को निकालता है, यूएई हमारे भिखारियों को निकालता है, जो बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर भिखारियों का चल रहा है उसके बारे में आवाम क्या राय रखती है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। हमारे ही मुल्क को इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के नाम से नहीं बल्कि भिखारियों के नाम से बुलाता है। आवाम क्या राय रखती है इस बारे में जानते हैं, आवाम की राय मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पाकिस्तान में अगर कोई वसाइल नहीं होंगे और साथ में अब हर कोई बंदा फ्री रहना चाहता है, वो कहता है कि हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, हम सिर्फ मांगे लोगों से, या फिर मतलब कि अगर वसाइल ही नहीं होंगे, वज़ीर आज़म और सबको चाहिए कि वो वसाइल पैदा करें और कोई ऐसे जो नौजवान हैं उनको नौकरियां दें ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्ट टाइम मांग रहे हैं, हाँ उनको चाहिए। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन जॉब्स करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑनलाइन जॉब्स लेके आए नौजवानों के लिए ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बाहर के मुल्कों में भी लोग अब जाके मेहनत करने के बजाय वहाँ पे भी जाके भिखारी बन रहे हैं। और सऊदी अरब में तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे भी बहुत से भिखारी वहाँ पे पकड़े गए हैं पाकिस्तानी। क्या कहती हैं आप, 42 बिलियन डॉलर्स की हमारी इंडस्ट्री है, जो IT इंडस्ट्री है वो महज 3 बिलियन डॉलर की है, लेकिन जो हमारी बैगिंग इंडस्ट्री है वो 42 बिलियन डॉलर की है। ये क्या मसला क्या है, लोगों को इजी मनी की आदत पड़ गई है, क्या कहते हो आप? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब तक हुकूमत कुछ नहीं करेगी तब तक हमारी आवाम भी नहीं कुछ करती, क्योंकि हमारी आवाम को भी अब पड़ गई हुई है कि हम इजी रहें, हमेशा हमें कोई काम ना करना पड़े। तो बस देखिए, हमारे जो वर्क वीज़ा पर भी बाहर जाते हैं वो वहाँ पर भी मांगते हैं, यहाँ पर भी मांगते हैं, स्टडी वीज़ा पर वहाँ पर भी मांगते हैं, यहाँ पर भी मांगते हैं। जो पाकिस्तानियों की भिखारी बनने की आदत है उसके बारे में क्या कहते हो, क्या अच्छा नाम लगवा रहे हैं हम? तो नहीं, ये बहुत आपसे सलम ने भी कहा है कि ज़रूरतमंद को देना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम का क्या कर सकते हैं, मुल्क में इतने वसाइल ही नहीं है कि लोग कमा सकें। तो हुकूमत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रिसोर्स दें ताकि वो अब मांगे। मेरी बात सुने, लोगों को वैसे भी जॉब्स अब पसंद नहीं है, जिनको कुछ मिल भी रही हैं, जो वैकेंसीज अवेलेबल भी हैं, वो जॉब्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक जॉब से आपको महीने का 25 से 30 हज़ार मिलेगा। एक जो भिखारी है नॉर्मली लाहौर का, वो रोज़ का 2000 रुपया कमा रहा है, क्या कहते हो आप? उसके 60,000 पर मंथ बनता है, क्या क्या कहते हो आप? कि अब उनको आदत पड़ गई हुई है सुस्ती की और ना वो कमाना चाहते हैं, वो कहते हैं बस हम मांगे। मुझे तो लगता है आने वाले सालों में भिखारी ज़्यादा, भिखारी होंगे, जितने भी जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी भिखारी ही बन जाएंगे। आपको पता है वर्ल्ड मीडिया हमें किस नाम से बुलाता है? बैगर इंडस्ट्रीज, भिखारिस्तान के नाम से बुलाता है। क्या कह सकते हैं, वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी नौकरी दें और जितने भी पढ़े लिखे हैं वो सारे बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे भी जाके मांग रहे हैं। तो चाहिए हुकूमत को कि कोई अच्छे वसाइल पैदा करे। और हम अपनी आवाम को भी गुजारिश करना चाहूँगी कि अब तो बाहर के लोग भी हमें भिखारी कहना शुरू हो गए हैं, तो कुछ खौफ करें और ज़रूरतमंद को देते हैं तो आप लोग अच्छी पढ़ें लिखें, अच्छी नौकरियां करें, ताकि वजीर आज़म को भी चाहिए कि वो हमारे नौजवानों को अच्छी नौकरियां दें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, हमने अलहदगी हासिल की थी इंडिया से, आज उनकी IT इंडस्ट्री आगे जा रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे जा रही है, डिफरेंट सेक्टर्स में उनकी इंडस्ट्रीज़ कमाल का काम कर रही हैं, पाकिस्तान की बैगिंग इंडस्ट्री नाम लगवा रही है $42 बिलियन की, क्या कहती हैं, इतना फ़र्क क्यों? पाकिस्तान के नौजवान का ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम किसी भी, अगर हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा हो, हमें TikTok बनाने की पड़ी होती है, हमें ये नहीं होता कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और हमें अगर कोई अच्छी ऑफ़र मिल भी रही हो, हम कहेंगे नहीं जो आसान काम है, ऑनलाइन सारे पैसा कमाना चाहते हैं, गेम खेल के लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हालांकि वो सब कुछ फेक होता है, इसीलिए तो ज़्यादा लोग आगे चले गए हमारी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वही कुछ करती। भीख मांग ले फिर, हाँ भीख ही मांग सकती है और क्या कर सकती है। थैंक यू सो मच। बस क्या कह सकते हैं, महंगाई है, लोग तंग आ गए हैं, लेकिन इसी तरह आप कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है इस तरह, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता पाकिस्तान में। सारे भिखारी, 38 मिलियन भिखारी, जो कि अगर हम अमेरिकी डॉलर्स में बात करें, 42 बिलियन डॉलर कमा रहे हैं आप, जो सालाना बात करें तो क्या कहती हैं? मैं क्या कह सकती हूँ इस मामले में, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, बहरहाल ये कोई अच्छी बात नहीं कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है इस तरह। तो खुद कर रहे हैं ना, क्यों भी भीख मांग रहे हैं? हाँ वही ना, कि नहीं करना चाहिए इस तरह के, हर बल्कि बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं तो पाकिस्तानी बदनाम होते हैं कि यहाँ के भीख मांगते हैं हमारे मुल्क के, तो अपने मुल्क को तो फिर उन्होंने बदनाम कर ही दिया है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर उतने पैसे नहीं कमाता जितना एक भिखारी कमाता है, बिल्कुल इसी तरह है, कुछ नहीं कहा जा सकता इन लोगों के बारे में, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए कि इन्हें कंट्रोल करें, ये आम लोग तो नहीं कर सकते ना, ये तो हुकूमत ही कर सकती है ना इन्हें कंट्रोल। लेकिन भीख क्यों मांग रहे हैं, वजह तो बताएं। अब ये तो भिखारी ही बता सकते हैं, मैं आपको क्या लगता है? देखिए हम यहाँ कहीं सिग्नल्स वगैरह पर रुक जाएँ, कहीं पर भी रुक जाएँ, खड़े होना महाल हुआ होता है, इतने भीख मांगने वाले लोग आते हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ये गलत है, लेकिन हुकूमत कर सकती है, हुकूमत इन्हें कंट्रोल करे। दूसरे मुल्कों में नहीं देखा आपने कि हुकूमत किस तरह कंट्रोल करी, हमारे मुल्क से एक भिखारी नहीं संभाले जा रहे तो फिर बाकी क्या संभालेंगे? हुकूमत अब किस किस को कंट्रोल करे ना, हमारे अपने दिमाग भी बंद है ना। अब यहाँ पर कोई पेन बेचने वाला आता है, उसने सिर्फ पेन दिखावे के लिए रखे होते हैं, मांग वो भीग रहा होता है, कहना है कि सिपारा कुछ नहीं मिलता, तो अल्लाह के कलाम को बदनाम कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम लेके जाते हैं, कहते हैं सिपारा ले लें, उन्होंने मकसद उनका भीख मांगना ही होता है। लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं इस मामले में, कुछ नहीं कह सकते। क्यों, क्या वजह क्या है, मुझे ये बताएं, हम काम की तरफ क्यों नहीं जाते? मुझे भी नहीं पता, मैं क्या कह सकती हूँ। पाकिस्तानी आवाम मेहनत की बजाय इजी मनी क्यों ढूंढती? सब लोग एक जैसे तो नहीं ना होते। अच्छा, लेकिन उन्हीं सब लोगों के बीच में 38 मिलियन भिखारी बन गए जो रिकॉर्ड हुए हैं, जिनका डाटा नहीं है वो अलग। हाँ जी आप सही कह रही हैं, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है लोगों के लिए, हम तुम तो कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो कंट्रोल करना चाहिए करने वालों को, जो ऊँची पोस्ट पर बैठे हैं, जिनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो कर सकते हैं कंट्रोल, तो उन्हें करना चाहिए। में क्या इज्जत है हमारी? आपको पता है वर्ल्ड मीडिया हमें भिखारिस्तान के नाम से बुलाता है। आपको बताया ना कि दूसरे मुमालिक में जाएं तो वो तो पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से ही नहीं देखते, ये तो भिखारी हैं, हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, इतनी हमारी मुल्क की बेइज्जती है, लेकिन लोगों को नहीं समझ आ रही ये बात। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक जी। हमने क्या कहना है जी, हमारे हुक्मरान जो हैं सबसे बड़े भिखारी तो वो हैं जो मुल्कों में फिर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो आवाम ने भी वही काम करना है। हमारे हुक्मरान इंसान बने, वो कोई इंसानों वाला काम करें। हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, इंडस्ट्री है, ज़रात है, चारों मौसम अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं हमें, तो हमारे पास किसी चीज़ की कुदरती तौर पे कमी नहीं है। कमी है तो ईमानदारी की कमी है। हमारे हुक्मरान अच्छे हो जाएंगे, कानून पे अमल दरामद कराएंगे तो ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि हम हर चीज़ हुक्मरानों पे क्यों डाल देते हैं? कोई कानून मानता नहीं है, यहाँ कोई इशारे के सिग्नल्स मानता नहीं है। देखिए हमारा अपना भी तो कोई दिमाग है ना। अब यहाँ पर आप देखें, छोटे छोटे बच्चे मांगने को आ जाते हैं। आप किसी सिग्नल पर रुक जाएँ सही, आप वहाँ पर रुक नहीं पाएंगे, इतने भिखारी आपके पास आएंगे। आप किसी ओपन प्लेस में खाना खाने जाएं, वहाँ पर भी आपको हर 2 सेकंड के बाद एक बच्चा या एक औरत जिसने हाथ में बच्चा पकड़ा होगा वो आपसे भीख मांगने के लिए आ जाएगी, और सुबह उनको गाड़ियाँ छोड़ के जाती हैं। ये तो बात आपकी ठीक है, ये कहीं भी चले जाए। अभी हम मार्केट से होके आए हैं, वो बच्चे छोटे छोटे पीछे फिर रहे हैं। हम खाना खा रहे थे रास्ते में, वो छोटी बच्ची आ गई है, वो खाने का इशारा कर रही है, ये मुझे खाना खिलाएं खाना। उसके हाथ में पैसे पकड़े हुए थे, पैसे ज़्यादा थे। मैंने कहा ये आपके पास कितने पैसे हैं, आप खुद खाना खा लो। उसने हमारी जान नहीं छोड़ी, उसे 10-20 रुपये दिए हैं तो उसको वो गई है। तो मसला ये हुक्मरानों का ये है, ये कानून पे जब अमल दरामद होगा, कानून होगा, कानून जो है एक्टिव होगा, हर चीज़ पे इंसाफ होगा, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है ना वो सीधी हो जाती हैं। दो तरह से मुआशरे जो है ना वो बनते हैं, एक तो अल्लाह का डर हो, तो अल्लाह का डर जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम को और हुक्मरान को बिल्कुल नहीं है। तो वो जो है ना वो एक होता है डंडे का डर, ये डंडा चलना चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक, जो है ना वो डंडा चलेगा ना सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन सर पाकिस्तान के अंदर भिखारी ही क्यों भाई, मेहनत की तरफ नहीं जाएंगे? आपको पता है आज एक जॉब करने वाला भी पार्ट टाइम यही काम कर रहा है भेस बदल के। ये तो आप ठीक कह रही हैं, ये बहुत ज़्यादा काम हो गया है, इसे रोकना चाहिए, हुकूमत को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये तो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना जो इशारों पे मांग रहे हैं। इसके अलावा दो नंबरी और बहुत सी होती है, स्कैम हो रहे हैं लोगों के साथ, मोबाइल पे स्कैम हो रहे हैं, इजी पैसा जायज़ कैश ये वो सादा लोगों को जो है वो लूट रहे हैं। वो बंदे कोई रिपोर्ट ही नहीं करते, उनको वो कहते हैं यार 2-4 हज़ार की बात कोई नहीं, चलो दफ़ा करो, किसी ने बात तो सुननी नहीं है। जब आप कोई किसी के साथ कोई 500 हज़ार का कोई स्कैम होगा, फ्रॉड करेगा बंदा, उसके साथ कोई 2 नंबरी करता है, उस पर आप पूरा एक्शन करेंगे, दूसरों को भी पता चलेगा यार इसे सज़ा हुई है, ये 2 नंबरी करेगा या ये बंदा मजदूर नहीं है वो भीख मांग रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसे पकड़ के जेल में डालेंगे आप, तो दूसरा बंदा भी उसे भी नसीहत होगी। तो ये ग्रुप के ग्रुप बने हुए हैं, जिस तरह आप कह रही हैं वो गाड़ियाँ आती हैं सुबह उनको छोड़ के जाती हैं, शाम को ले कर जाती हैं। तो ये बहुत गलत बात है, इसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, लाजमी लेना चाहिए। हर जगह पे जहाँ भी चले जाएं, खाना खाने चले जाएं, मार्केट चले जाएं, घर से बाहर निकलें, जिधर भी रुक जाएं वो पीछे पीछे बंदे आ जाते हैं। इवन के सब्ज़ी मंडी में चले जाएं, आप गला मंडी में चले जाएं, सब्ज़ी मंडी में बहुत ज़्यादा है, वो बंदा सब्ज़ी के लिए पैसे निकाल के दे रहा होता है, पहले इतनी महंगाई है, वो बंदा पता नहीं किस तरह अफोर्ड कर रहा होता है, पीछे से बहुत तंग कर रहे होते हैं। ये कल परसों जुमा पढ़ने के लिए गए हैं, ये 2 साथ ही थे, हम सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में जॉब करते हैं, जुमा पढ़ने के लिए गए, यंग लड़का है 18 साल का, वो लड़का खड़ा होकर कह रहा है, रो रहा है साथ में जी, वो कारी साहब दुआ मंगवाने लगे हैं, दुआ के दरमियान भी वो कह रहा है जी मुझे ये हो गया, मेरा वालिद फौत हो गया है, मेरी 2 जवान बहनें हैं, मेरी माँ है, मैंने घर का किराया देना है, ये वो। मुझे गुस्सा तो आया, मैंने कहा यार इसे बाहर निकल के मैं पूछूँ, आप यंग हो, इतनी फैक्ट्रियाँ, इधर मजदूरी करो आप, 1000-1200 रुपये पर डे मिल रहे हैं आपको, भी सलामत, पाँव भी सलामत, दिमाग भी सलामत, फिर भी हाथ फैलाने हैं, फिर हाथ फैलाने हैं। तो बंदा मजदूरी करे, वो 30,000 रुपये 35,000 रुपये कमा सकता है, वो रेंट भी दे सकता है, गुजारा कर भी सकता है। वो बंदों की सोच है जी हम जो है ना रात को सोएं, सुबह जो उठें तो हम डिफेंस में, हमारी आँख खुले, ऑडी गाड़ी हमारे नीचे हो, तो अगर ये सोच होगी आवाम की तो फिर इसी तरह ही होना है काम। तो ब्रश भी अगर डाल रहे हैं तो नौकर आकर डाले, ये तो सोच है हमारी। वो आवाम ने जो है ना वो शॉर्टकट ही लेने हैं, तो वो सीधा काम नहीं करने। तो मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि 2 नंबरियाँ छोड़ें, वो इस तरह के कामों से जो नहीं बनता, जो अल्लाह नवाजता है ना, आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके बड़े लोग करोड़पति बने हैं, अरबपति बने हैं, तो आप मेहनत करें, मेहनत में अजमत है, तो मेहनत करेंगे तो आप इंशाल्लाह जो है ना वो लाजमी कुछ बनेंगे। सर आपसे जानना चाहूँगी क्या मतलब क्यों पाकिस्तानी भिखारी क्यों बन रहे? आपको पता है पिछले साल सितंबर के अंदर जड़ावाला से एक भिखारी पकड़ा था जिसके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए थे, फिर मुल्तान से पकड़ा जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, फिर हमारी एक बहुत मशहूर डॉक्टर है उन्होंने कहा जहाँ मेरी शादी हुई थी उनका तो पूरा भीख का कारोबार चलता था, वो प्राडा में बैठते थे, उनकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, इतने बड़े बड़े बंगले थे। क्या कहते हैं आप, 117 ट्रिलियन रुपये का कमाई होती है। बात वही है जो इशफाक भाई कर रहे हैं कि इस पर एक हुक्म, कानून की कोई हुक्मरानी होनी चाहिए। जिस तरह हम जाए ना सऊदी अरब में तो आप देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा भी इसी तरह मांग नहीं रहा होता, सब छुप छुप के मांगते हैं, मांगते वहाँ पे भी हैं पर छुप के मांगते हैं, कानून के सामने कोई बंदा नहीं मांगता। इसी तरह यहाँ पे कानून फिर रहा है, सब मांग रहे हैं, सब इसी की तरह ही कह रहे हैं कि 10 दे दो 20 दे दो 30 दे दो। वो हमारे लिए 10-20 हैं, वो जिस तरह हम कह रही है ना कि रकम ट्रिलियन में चली जाती है, अरबों खरबों में चली जाती है, वो 10-10 रुपए करके ही वो खरबों में चली जाती है। पहली बात है हमें इनको देना ही नहीं चाहिए, जो बंदा बिल्कुल ठीक है उनके हाथ पाँव सलामत है उसको रोज़गार देना चाहिए, इस तरह करना ही नहीं चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, कोई ऐसा इदारा बनाए कि जो कि इन बेकारियों के लिए स्पेशल हो। लेकिन सर मांगते ही क्यों हैं? हम हमेशा देखें, उन्होंने भी बोला हुकूमत, आपने भी बोला हुकूमत, अपने बारे में बात करें, लोगों के बारे में बात करें, लोग क्यों मांगते हैं, अपनी भी तो गलती गिने ना। देखें मांगते इसलिए हैं क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है कमाने का। बंदा सुबह सुबह जाए, कोई भी हलाल काम जब करता है ना बंदा, उसमें मेहनत है, उसमें लगन है, उसमें थकन है, ये काम है, इसमें कोई नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है। मैं अगर सुबह सुबह जाता हूँ, मैं मंडी का भी बिल फर्ज छोटा सा काम लगा ले, मैं फल रेडी लगाता हूँ, अपनी सब्जी लगाता हूँ, मैं सुबह मंडी जाऊँगा 5 बजे उठ के लाऊँगा, उस पर इन्वेस्ट करूँगा 7-8 हज़ार रुपया, फिर उसमें से 1 हज़ार रुपया निकलेगा शाम को मेहनत मजदूरी करके। ये कोई इन्वेस्ट करते ही नहीं है। सुबह से बस गाड़ी छोड़ जाती है स्विग में, शाम को गाड़ी ले जाती है, पेट्रोल के पैसे भी उसमें से ही निकलते हैं, स्विग का खर्चा भी उसमें से निकलता है। इसी तरह सर हमारी यही हरकतें देखकर, क्योंकि बाहर के कंट्रीज में भी हमारे अनलिमिटेड भिखारी पकड़े जा रहे हैं। आपको पता है वर्ल्ड मीडिया हमें पाकिस्तान नहीं बोलता, भिखारिस्तान बोलता है, क्या कहेंगे? ये तो देखिए हमें अपना इमेज खुद बनाना है। देखें नदीम अरशद अभी गए हैं रिसेंटली, अभी करके आए हैं, तो इस तरह पाकिस्तान का काफ़ी उजागर हुआ है, मतलब कि पाकिस्तान का इस तरह नाम रोशन हुआ है। जिस तरह हम जाएंगे अदर कंट्री में, अगर हम जाके वहाँ पे कोई अच्छा कारनामा करेंगे तो पाकिस्तानी अच्छे काम से प्रमोट होंगे। अगर वहाँ पर जाके हम भिखारी ही बने रहेंगे तो फिर उसी तरह ही हम प्रमोट होंगे कि ये पाकिस्तानी भिखारी हैं। इसमें हमें सबसे पहले हमें अपने ज़मीर को देखना चाहिए, अल्लाह ताला का डर और खौफ होना चाहिए, और रिज़्क़े हलाल कमाना चाहिए। रिज़्क़े हलाल अगर 500-1000 भी कमाते हैं ना तो उसमें बरकत है। थैंक यू सो मच। हमारे से ज़्यादा तो ये कमाई कर रहा है। हमारे हाँ रोड पे मेरी दुकान है, दुकान बाद में खोलते हैं, पहले ये मांगने आ जाते हैं। अच्छा। हमें दे दें, ये दे दें, हमने खाना नहीं खाया, सही सलामत होते हैं, हाथ पैर भी ठीक होते हैं, फिर भी हमारी मजबूरी है ये है, हमने खाना नहीं खाया, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें कुछ ना कुछ दे दे, फिर मजबूरी से हमें देना पड़ जाता कुछ ना कुछ, हम जितनी हमारे हैसियत होती है हम दे देते हैं। तो ये बात है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके मांगने के लिए इन्होंने अपने बच्चों को भी लगाया हुआ है मांगने के लिए, ये गलत बात है। यही इनको पढ़ाया जाए, इनको पता चले कैसा माहौल है। ये गली गली मोहल्ले में सड़कों पे कहीं ब कहीं मिल जाते ज़रूर हैं ये जी। क्या वजह क्या है, एक जॉब जो बंदा कर रहा है उससे ज़्यादा भिखारी कमाते हैं, एक पढ़े लिखे बंदे से ज़्यादा खरबों में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में जो है वो हमारे ये भिखारियों की जो फैक्ट्री है वो कमा लेती है, भिखारी इंडस्ट्री कमा लेती है। क्या कहते हो, क्या वजह क्या है भीख मांगने की? हाथ पाँव सलामत हम देखते हैं कि भिखारी जो यहाँ पर होते हैं उनके हाथ भी सलामत, पाँव भी सलामत, दिमाग भी सलामत, माशाल्लाह बोलते भी बहुत अच्छा है, ट्रैप में भी फंसा लेते हैं, अल्लाह के नाम पर भीख मांगते हैं। क्या कहते हो? ये इतनी हमारी नहीं है, हम जाना से सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, हम इतने नहीं कमाते एक दिहाड़ी में जितने ये कमा लेते हैं। हम तो 700-800 की हमारी इतनी पे हो जाएगी एक दिहाड़ी में, एक जाना ठीक है, इनकी 3-4 ज़्यादा ही हो सकती है, हज़ारों के हिसाब से ये जाना कमाते हैं। ये गलत बात है ना, इनको नहीं कमा ऐसे करना चाहिए। अल्लाह से ना, अल्लाह के नाम से मांगते हैं ठीक है, अल्लाह के नाम से, सही हाथ पैर बिल्कुल क्लियर है इनके, फिर भी अल्लाह अल्लाह करते हैं। यही नमाज़ें पढ़ें, इनको पता चले, नमाज पढ़ते नहीं और अल्लाह अल्लाह बेफजूरी अल्लाह का नाम लिए जाते हैं, अल्लाह के नाम से दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत बात है। ये मांगते क्यों हैं? मांगते ये ऐसा कीड़ा है जो इनको मांगने पर मजबूर करता है, ये बस पता नहीं क्यों मांगते हैं। हम क्यों नहीं मांगते, हम तो मेहनत करके काम करते हैं ना, ये भी मेहनत करके काम करें, ये मांगने की इनको आदत पड़ी है जी। क्या वजह क्या है? मेहनत की तरफ नहीं जाना, फिर कहना जज्बा बहुत है, फ़लस्तीन फ़तह करेंगे, कश्मीर फ़तह कर रहेंगे, इंडिया फ़तह करेंगे, शाम फ़तह करेंगे, बना तो भिखारी हुए हैं तो क्या फ़तह करेंगे? ये भिखारी नहीं है, ये देख लें, ये यही काम करते हैं, पहले मांगते हैं फिर ये दूसरे मुल्कों के साथ अटैच होते हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं यहाँ पे, हमारे मुल्क में करते हैं भिखारी जी, ऐसे काम करते हैं। और इनको क्या काम है, अपने मुल्क का अपन खुद ही नुकसान किए जाते हैं। आपको पता दुनिया हमें पाकिस्तान तो नहीं कहती है, वर्ल्ड मीडिया आप उठा कर देख लें, वो हमें भिखारिस्तान बोलती है। क्या मसला है, क्या वजह है? यही मसला है, ये पाकिस्तान में भिखारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है वो मांगने चले जाते हैं। ये औरतें देख ले, सही सलामत होती हैं, औरतें मांगती हैं, ये गलत है। क्यों, जो हर मर्द जो इधर से गुजरता है वो औरत को गंदी नज़र से भी देखता है, वो मांगती हैं, और मर्द जो होते हैं ख़ास तौर पे मर्द, वो उनको ज़्यादा पैसे दे देते हैं, औरत समझ के दे देते हैं। वे आधी रात को, एक रात 1 बजे 2 बजे चले जाएँ, औरतें सड़कों पे मांगती फिरती हैं, कहीं भी मांगते हैं मर्द औरतें, ये दोनों मांगती हैं, ये भी मांगते हैं, रात 2 बजे चले जाएँ, बाहर चले जाएँ, ये मांगते, कभी किसी शो पे खड़े हो जाएं, कभी किसी शो पे खड़े हो जाएंगे, मांगते फिरेंगे, पता नहीं क्या वजह है, मांगते क्यों है? इनको मांगना नहीं चाहिए, ये मेहनत करें, मजदूरी करें, फिर इनको पता चले। मेहनत मजदूरी तो उनको आप उनके सोच में भी नहीं आएगी। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर पाकिस्तान का आपको पता महाना कितना कमाता है? 30 से 35 हज़ार एक इंजीनियर। डॉक्टर भी उतना नहीं कमाता जितना उनको एक महीने में पैसे आ जाते हैं भीख मांग मांग के। इनके घर फिर देख लें, ऐसे इतने पुराने टूटे फूटे घर होते हैं, तो इतना पैसा ये कहाँ पे लेके जाते हैं? प्रॉपर्टीज बनाते हैं। अब वो अपनी प्रॉपर्टीज में रहना स्टार्ट कर देंगे तो भीख कौन देगा? कॉमन सेंस साइकी बड़ी तेज है। इतना दिमाग हमारे में नहीं है जितना इनमें है। बस इतना ही बहुत है, बस इतना ही बहुत है। अच्छा सुनो तो सही, एक सवाल का जवाब तो दे दो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बस एक सवाल का जवाब दो कि इन भिखारियों की लगाम कैसे कसे? अब मुझे ये बताओ कि ये खबर जब हमारे यंगस्टर्स सुनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फॉलो करती है, हमारे जब यंगस्टर्स सुनेंगे कि हो भिखारी इतना कमा रहे हैं, इतने पैसे ला रहे हैं, तो वो फिर पढ़ने की बजाय, जॉब करने की बजाय वो भी हमें यहाँ बैठे हुए नजर आएंगे कटोरा पकड़कर, भेस बदल कर। क्या कहते हो? ऑलरेडी हम सऊदिया से पकड़े जाते हैं, यूएई से पकड़े जाते हैं कि भीख मांगते हैं। ऐसे ही होना है, जब उनको पता चलना है भिखारी इतना कमा रहे हैं तो उन्होंने कहना हम ही कारोबार छोड़ के ये काम शुरू करते हैं। पे करने वाले हो क्या? नहीं, मैं क्यों करूँगा, मैं तो अच्छा वाला कमा रहा हूँ, घर वाले उससे खुश है, मेरे से इतना ही जितना कमा रहा हूँ, शुक्र है मालिक का, मुझे इतना ही बहुत है। थैंक यू।